नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और एक नया दिन, एक नई रेसिपी। लेकिन आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की रेसिपी मैं नहीं बना रहा, वो बना रही हैं जिनके हाथों में है जादू। नाम है जिनका एकदम बिल्कुल सुनहरा। जी हाँ, कनक्स किचन। चलिए बुलाते हैं। हाय कनक। हेलो शेफ, हाउ आर यू? वेरी गुड टू सी यू अगेन। सेम हियर, थैंक्स फॉर कॉलिंग। कितने साल बाद, कहाँ गायब थी आप? बहुत साल बाद, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हमको मिले। ये मेरी जिंदगी से गायब थी, लेकिन वैसे आप लोगों की जिंदगी में तो जुड़ी हुई है, क्योंकि इनके वीडियोस तो इतने ट्रेंड होते हैं। थैंक यू सो मच शेफ। मैं इनसे लास्ट टाइम मिली थी मास्टर शेफ में, करेक्ट। उसके बाद कहीं तो कोई इवेंट में हम मिले थे, एंड उसके बाद फाइनली हमने डिसाइड किया कि साथ में मिलके कुछ करते हैं। तो आज हम मिले हैं एक बढ़िया सा आपके लिए रेसिपी बनाने की, और रेसिपी बहुत स्पेशल है क्योंकि वो रेसिपी इनके घर की है। कौन सी रेसिपी बना रही है आज? तो शेफ ने मुझे कहा कि कनक मुझे कुछ अपना स्पेशलिटी खिला दो, तो मैंने कहा मैं तो हूँ सिंधी भाई, मां तो सिंधी आया, तो मां तो तव्हांखे खाराईंदमि सिंधी कोकी। तो हमारी स्पेशलिटी है सिंधी कोकी, जो कि हम ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, बहुत ही फीलिंग होती है। तो व्हाई नॉट प्रिपेयर सिंधी कोकी? एंड आई एम अ कोकी फैन, क्योंकि तो मतलब आपको टेस्ट पता है इसका? टेस्ट पता है और मुझे एक्चुअल कोकी बनाने का तरीका सीखना है। अच्छा। तो क्यों ना वो बेस्ट तरीका आपसे सीखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हमारी स्पेशल सिंधी कोकी। तो इसके लिए पहले हम आटा गूंथेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा आटा, करीबन 1.5 से 2 कप आटा होगा। एंड नॉर्मल आटा या फिर कोई? नॉर्मल आटा, कोई भी चक्की का आटा, बेसिकली गेहूं का आटा होना चाहिए। okay. उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा बेसन। तो okay. कुछ सिंधी इसमें बेसन डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ, बिकॉज उसका हल्का सा एक सौंधा सौंधा सा फ्लेवर आता है, बाइंडिंग आती है। तो ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबल स्पून डालना है। उसके बाद हम डालेंगे नमक, ऑब्वियसली, तो नमक मैं इसे डाल देती है ना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो की है मोइन। मोइन, तो मोइन कुछ लोग तेल डालते हैं, कुछ लोग घी डालते हैं, लेकिन मैं तो सिंधी हूँ, तो एकदम बढ़िया परोठे जैसे होते हैं ना सिंधी कोकी, ठंडी शुद्ध घी, शुद्ध घी में। तो शुद्ध घी हम डालेंगे करीबन 3 से 4 टेबल स्पून, अप टू यू, आप चाहो तो घी से गूंथ भी सकते हो। तो 2 से 3 टेबल स्पून भर भर के डालिए, खुले दिल से, खुले दिल से डालिए। मेरी जैसी हैं पर बिल्कुल हाफ साइज, पता नहीं कैसे। तो बस इसको मोइन देना, जैसे आपको पता है कि मोइन ऐसे देंगे तो थोड़ी सी खस्ता हो जाएंगी हमारी कोकियाँ, थोड़ी सी क्रम्बली बनेंगी। बिल्कुल। और उसके बाद इसमें हम डाल लेंगे बाकी की सारी इंग्रीडिएंट। आप ये गूंदें, मैं आपकी मदद करता हूँ बाकी सारी चीज डालने के लिए। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर। तो कुछ लोग सिर्फ काली मिर्ची डालते हैं, लेकिन आज हम यूज करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची भी, थोड़ा सा कलर आ जाएगा बेसिकली इसमें। किसी किसी को जैसे व्हाइट कोकिया पसंद है ना, एकदम सिंधी कोकी, तो उन लोग सिर्फ काली मिर्ची डालते हैं। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, अजवाइन इज ऑल्सो अगेन ऑप्शनल, आजकल हम लोग डालते हैं, थोड़ा सा डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो एंड जीरा, वो तो जरूरी, खूब सारा जीरा, जीरा तो जरूरी है। यस। तो इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। कितने? मतलब इतना है तो करीबन 4 से 5 टेबल स्पून तो लग जाएंगे। वैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा प्याज डालते हैं, उनको लगता है कि मॉइस्चर आता है, और प्याज का फ्लेवर भी मुझे तो अच्छा लगता है। हाँ, बीच बीच में काफी सारा वो आना चाहिए। तो आप पूरे प्याज डाल देते हैं। चलिए बढ़िया, एक पूरा प्याज चॉप करके, मीडियम साइज प्याज चॉप करके डाल दो। हरी धनिया और हरी मिर्ची, दैट्स इट। बस इतने बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही लगते हैं कोकी बनाने में। बेसिक है लेकिन बहुत टेस्टी, 5 मिनट में बनती है शेफ। अच्छा, हरी मिर्च कितनी? हरी मिर्च थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे, पानी खाने वाले बच्चे हैं नहीं। स्वाद अनुसार। सो बेसिकली आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्ची से ही इसको स्पाइसी करना है, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची नहीं डलती है। नहीं डलती है, पर हमने थोड़ी सी डाली थोड़ी कलर के लिए। वो तो थोड़ी सी हमने कलर की डाल दी। तो बस अभी आप जो टेक्सचर देख रहे हैं ना, क्रम्बली टेक्सचर होना चाहिए ऐसा। अगर आपको ऐसा लगे ऐसा टेक्सचर नहीं आ रहा है, तो देन यू हैव टू पुट मोर घी, मोर ऑयल, जितना एक्चुअली जितना फैट्स डालोगे उतनी अच्छी बनेगी आपकी रेसिपी। तो बस जैसे ये क्रम्बली टेक्सचर का हो जाएगा शेफ, ऐसे थोड़ा सा लग रहा है ना कि मोइन डाला है, तो बस इसको अभी गूथना स्टार्ट करेंगे पानी से। तो गूथना मतलब ऐसे प्रॉपरली गूथना नहीं है, उसको ऐसे ग्लूटेन उसका पूरा नहीं निकालना है, ऐसे बस इसको जोड़ना है। okay. जैसे हम वैसे आटे को जोड़ते वैसे मैं सबको बताता हूँ कि हाँ। अगर एक गुड तरीका क्या है कि मोइन अच्छा हुआ है कि हाँ, नहीं हाँ। कि ये आप दबाओ तो लड्डू बन जाए, यस, और उंगली मारो तो बिखर जाए। अरे वाह, दैट्स अ गुड टिप। तो देखा आपने, बांधा फिर उन्होंने तोड़ा, दैट मींस इसमें जो हमने मोइन डाला है वो एकदम अच्छा मोइन आया। तो बस इसको पानी डाल के गूथेंगे, बेसिकली बाइंड करेंगे सिर्फ साथ में, तो थोड़ा बहुत पानी जितना बाइंडिंग में लगेगा उतना ही लगेगा, बहुत ज्यादा पानी नहीं। तो कोकी जैसे इन्होंने बताया कि सुबह शाम कभी भी खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो, एक्चुअली लाइक अ स्नैक, बट सही में मतलब सच में ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। इट्स नॉर्मली सिंधी ब्रेकफास्ट में हम लोग खाते हैं, क्योंकि कैसे रहती है, फीलिंग रहती है, काफ़ी मोटी रहती है, घी रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो फीलिंग हो जाती है, काफ़ी टाइम तक के पेट भरा रहता है।
तो बस इसको ना बेसिकली इकट्ठा करना होता है, मतलब कम से कम पानी डाल के इसको इकट्ठा करना है, गूथना नहीं है। okay. ग्लूटेन नहीं फॉर्म होना चाहिए इसमें। तो अभी ये कड़क होना चाहिए। कड़क है हाँ। मतलब ऑलमोस्ट पूड़ी yes. के आटे से yes. थोड़ा सॉफ्ट। वो इसलिए क्योंकि हम इसको तुरंत बनाने वाले, इसको रेस्ट वेस्ट नहीं देंगे। मैं आपको इसका अंदर से टेक्सचर दिखाती हूँ कैसे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे फटा हुआ हाँ, फटे फटा हुआ आटा जैसे रहता है ना। ओके स्मूथ नहीं है, फटा हुआ इसलिए है क्योंकि ये क्रम्बली बनेगा, क्रम्बली और खस्ता है। जितने ज्यादा इसमें लेयर्स रहेंगे उतना ज्यादा खस्ता और टेस्टी बनेगा। नाइस। तो बस ये आटा बाइंड हो गया, इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे आखिरी में, जैसे थोड़ा सा हल्का सा शाइन और लोइयां निकालने में आसानी होगी। बस थोड़ा सा ऐसे एक मिनट और, ज़्यादा गूंदना नहीं है, ग्लूटेन फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, खस्ता रहनी चाहिए। और अब इसकी लोई कटेगी, इसकी लोई निकालेंगे। तो बस इसको ऐसे बांट दिया, रोल कर लिया और ऐसे करके एक एक लोई निकालते जाएंगे। ये एक लोई है क्योंकि ये बनती अच्छी खासी मोटी की हिक्क में ही था जो पेट भर जी बिंदु। भाई तुम्हारा एक में पेट भर जाएगा, रैंडम बोल रहा हूँ। बट आप कोकी के साथ पापड़ और दही। तो अभी इसको कैसे बेलना है, क्या इसको बस ऐसे ऐसे करना है। देखो हमारी दादियाँ ऐसे ऐसे बनाती थी, ऐसे हमारे में ना एक ढोडा भी बनाते हैं, हाँ, चेहरा ढोडा हाँ, बोलते हैं हाँ, चेहरा ढोडा में क्या होता है पता है, चावल के आटे के बनता है हाँ, और चेहरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सब बेसिक मसाले डालते हैं और फिर उसको ऐसे 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 करके ऐसे करते हैं। और क्योंकि वो आटा रहता है ना तो वो तवे में ऐसे ऐसे करके उसको फैला देते थे। लेकिन क्योंकि ये गेहूं का आटा है तो इसको हम हल्का सा बेलेंगे, थोड़ा सा आटा लगाना है, वैसे ज्यादा आटे की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें ड्राई फ्लावर की। और मोटा ही रखना है इसको, अच्छा मोटा रखना है। तो बस इसको अभी रोल करेंगे, तो ऐसे हल्के हाथों से ऐसे रोल करते जाएंगे बस। और अगर आपके साइड्स में क्रैक्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब कि आपने जो आटा गूंथा है वो एकदम परफेक्ट है। मतलब एकदम चिकना हो जाएगा ना रोटी पूड़ी जैसा, मतलब कि आपने कुछ गलती की है आटे में, आटे या तो आपने आटा ज्यादा गूंद लिया या फिर ज्यादा पानी डाल दिया या मोइन कम डाला। यस, साइड से कैसे क्रैक्स आते जा रहे हैं। और कुछ लोग पता है सिंधियों में क्या करते हैं, जो कच्ची है जो लोई है ना इसको भी सेकते हैं। अच्छा, कभी कभी ज्यादा घी डालते हैं ना जो लोग okay. और वो घी जैसे ठंड में सेट हो जाता है ना uh-huh. तो उसको पहले से तवे में से थोड़ा सा सेक लेते हैं और उसके बाद उसको ऐसे बेलते हैं। oh, wow. तो हमारी दादियां भी वैसे करती थी। तो इसको बेल लेंगे थोड़ा सा मोटा। और कुछ कोकी में मैंने देखा है कि वो इस टाइप के डिजाइन लगाते हैं। हाँ, वो डिजाइन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इतनी मोटी होती है ना, तो इसको बीच में स्लिट्स देना पड़ता है ताकि वो अंदर तक के अच्छे से पक पाए, क्रिस्प हो जाए। हाँ, तो क्योंकि तवे में हीट जब आएगी तो अंदर से अच्छे से पकेगा ये। तो बस इसको हमने बेल लिया, थोड़ा मोटा ही रखा है आप देख सकते हैं। बिल्कुल, इसकी थिकनेस अराउंड 5 से 6 mm, आधा सेंटीमीटर। तो इसको अभी हमको स्लिट्स देना है जैसे आपने कहा ना, या तो आप ऐसे लंबे लंबे स्लिट्स दे सकते हैं नॉर्मली जैसे हम काजू बर्फी काटते हैं ना उस तरह से, या फिर मेरी मॉम ने अभी रिसेंटली बताया ऐसे दूर दूर ऐसे आप प्रिक कर सकते हैं या पोक कर सकते हैं, सो दैट वो अंदर तक की हीट जाए और कोकी अंदर से बहुत अच्छे से पके, क्रम्बली बने और खस्ता बने। चलिए, तो बस इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। तो ये साइड नीचे, हाँ ये साइड नीचे क्योंकि वैसे भी तो हम फ्लिप करने वाले। करेक्ट। तो कनक इसे अब तेज आंच हल्की आंच, इसको अभी हम पकाने लोएस्ट फ्लेम पे, लोएस्ट फ्लेम क्योंकि वो ना काफी मोटी होती है, तो इसमें हमने थोड़े थोड़े से पोक भी किए तो अंदर से अच्छे से इवनली पक जाएगी। तो एकदम लोएस्ट फ्लेम पे पकाएगा, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस वेरी इंपॉर्टेंट, लो फ्लेम वेरी इंपॉर्टेंट। और हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट लगेंगे दोनों साइड आराम से। तो हल्की हल्की आंच पे ये घी लगा के हाँ। इसे दबा दबा के पकाया जाए। तो अब आपने अपना चैनल शुरू किया और इंडीड बहुत सक्सेसफुल चैनल है कनक्स किचन। तो आप हमारे व्यूअर्स को जो देखते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कुछ टिप्स बताइए, मैं कहता हूँ यार मैं तो अभी खुद शुरू किया है तो मैं क्या टिप्स बताऊँ, लेट्स आस्क द प्रो, आप क्या टिप्स देंगी यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए। सो बेसिकली इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल तो सबसे पहले यू शुड बी पैशनेट अबाउट समथिंग, मतलब आपकी कोई हॉबी होनी चाहिए विच यू वॉन्ट टू परस्यू, बिकॉज इट यू शुड नॉट स्टार्ट एज अ वर्क कि कुकिंग से मैं करूँगी तो आई शुड गेट सम रेवेन्यूज आउट ऑफ इट, वैसा नहीं होता इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट कुकिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। तो ध्यान रखिए पैशन के लिए नहीं, पैशन के लिए, पैशन के लिए, पैशन के लिए नहीं, वेरी ट्रू। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी, मतलब ऐसे नहीं कि आपने एक मंडे को वीडियो डाल दिया एंड एक महीना भूल गए, हाँ. वैसे बिल्कुल नहीं चलने वाला है। मतलब एवरी वीक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आइदर आप ट्वाइस अ वीक सोचो या वंस इन अ वीक सोचो, जो भी आप डे सोच रहे हैं अपलोड करने का, यू शुड बी लाइक
कंसिस्टेंट कि एवरी वीक आपका वीडियो आ रहा है, बिकॉज ऑडियंस आपका वेट करती है कि आज 2 बजे अजय चोपड़ा जी आएंगे और हमको कुछ सिखाएंगे। बिल्कुल, आप जानते ही हैं, है ना? आप तो जानते ही हैं हमारे वीडियो हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर सैटरडे को आते हैं। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करा ही है, आपने वो बेल आइकन दबा ही लिया होगा, है ना? नहीं दबाया तो आप दबा लो, नहीं किया है तो अभी कीजिए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सिंधी कोकी क्या लगा। पक्का सब उधाया जो सिंधी में बोला कि आपको सिंधी कोकी कैसी लगी, जरूर से बताना, जरूर से बताना। वैसे आपने कनक्स किचन सब्सक्राइब किया नहीं किया? चलिए अभी वो भी कर लीजिए, जाइए। यस, तो घी लगा लगा के दोनों साइड से पकाते रहना चाहिए, इसको पकाना है ताकि जब तक बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्प ना हो जाए। यस, है ना? आहा, वाओ, कलर देखो भाई, क्या कलर है, वाह, क्या टेक्सचर है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वो घी को एब्जॉर्ब कर रहा है, बिकॉज़ हमने स्लिट्स डाला है ना, तो अंदर से तक के पूरा घी जा रहा है। पर लग रही है अच्छी है, बहुत अमेजिंग। एंड ये चाय के साथ शेफ बहुत ज्यादा, चाय रेडी है, मैं लेके आता हूं। ओ तो शेफ चले गए चाय लेने, तो तब तक मैं कोकी कंप्लीट कर लेती हूं। चाय तैयार है और इधर कोकी तैयार है। यस, लीजिए। तो बस कोकी भी पक गई है, दोनों तरफ से अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, करारी भी दिख रही है। तो बस ये रेडी हो गई, इसको अब प्लेट अप कर देते हैं। बहुत हुआ इंतजार, चाय तैयार है, आई एम रेडी टू ब्रेक दिस डंकिन। बहुत ज्यादा गर्म है, मैं थोड़ी सी इसे कट कर लेती हूँ। बाहर से क्रिस्पी होनी चाहिए, अंदर तक पक जानी चाहिए, और दैट इज हाउ अ ब्यूटीफुल कोकी शुड बी। वाओ, लुक एट दैट। अब बस इंतजार नहीं हो रहा है, तो चलिए गर्मा गर्म कोकी ट्राई कीजिए। देखिए कितनी अच्छी फ्लेकी दिख रही है। ब्यूटीफुल पार्ट इज कि बाहर की जो क्रिस्पनेस है और अंदर की सॉफ्टनेस इतनी बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रही है। खस्ता है, प्याज हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा है, और घी, इसका तो क्या कहना, घी इसकी मेन जो हाईलाइट है ना, वो घी है। बहुत ज्यादा क्रम्बली बना है अंदर से, वाओ, और उसके साथ चाय हो जाए तो उसका तो क्या कहना। वाह, टू गुड गाइस। ये रेसिपी तो आपको जरूर से ट्राई करनी है, और चाय की रेसिपी तो आपने पहले ही चेक कर ली होगी शेफ के चैनल में, शेफ अजय चोपड़ा। डू चेक आउट द चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये रेसिपी, और बनाइए कोकी के साथ बढ़िया चाय, और अपनी शाम को, सुबह को, दोपहर को, सबको बना लीजिए एंजॉयबल। सी यू सून, क्योंकि हम दोनों अब थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं चाय पे।